प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे, किसान आंदोलन का 25वां दिन। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रायसेन मंदिर में की पूजा अर्चना, फैक्ट्री का करेंगे शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह वीर भूमि पहुंचे, शांति निकेतन पहुंचकर कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस की शनिवार को हुई बैठक में कमलनाथ को झेलना पड़ी आलोचना, ठीक तरह से सरकार न चलाने और गिराने को लेकर झेलने पड़े आरोप। सीएम भूपेश बघेल ने कल बुलाई विधायक दल की बैठक, शीतकालीन सत्र को लेकर बताएंगे रणनीति। नमस्कार, स्वागत है आपका जीएनएन में, आपके साथ मैं हूं विराम सिद्दीकी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे भोपाल से, जहां छावनी आदमपुर छावनी में कचरे से बनेगा कोयला। एनटीपीसी एक साल में लगाएगा प्लांट, कोयला बनाने के लिए मिक्स कचरे का किया जाएगा उपयोग। यहां बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में आदमपुर छावनी में कचरे से कोयला बनेगा। अब एनटीपीसी एक साल में लगाएगा ये प्लांट और कोयला बनाने के लिए मिक्स कचरे का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। एनटीपीसी 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक साल में ये प्लांट लगाएगा, कोयला बनाने के लिए मिक्स कचरे का किया जाएगा उपयोग। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता दीपेश जैन जुड़ गए हैं। दीपेश जैन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब एनटीपीसी कोयला बनाने के लिए मिक्स कचरे का इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल इरम, देखिए बताना चाहेंगे कि भोपाल नगर निगम और एनटीपीसी मिलकर एक 80 से 100 करोड़ रुपए का प्लांट स्थापित करने वाले हैं आदमपुर छावनी में, जहां पर कचरे का इस्तेमाल कोयला बनाने में होगा और जाहिर सी बात है कि इस कोयले से बिजली का इस्तेमाल, बिजली का निर्माण किया जाएगा। तो जिस तरह इंदौर में कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर कचरा भी बिक रहा है, अब उसी तर्ज पर इसी कचरे का इस्तेमाल करते हुए भोपाल नगर निगम भी एक इनोवेटिव प्लान शुरू कर रहा है और इसके तहत आदमपुर छावनी में 200 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट लगाने वाली जो कंपनी है वो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड की भी बॉटलिंग करेगी और CO2 का उपयोग इंडस्ट्रीज में होगा। यानी कई तरह का जो मिक्स कचरे का उपयोग करते हुए यहाँ पर न केवल कोयला बनाया जाएगा बल्कि उससे बिजली भी बनाई जाएगी। और चारकोल प्लांट के लिए पिछले 3 महीने में एनटीपीसी और नगर निगम के बीच जो चर्चा चल रही थी उसमें अब अनुबंध का प्रारूप भोपाल भेज दिया गया है और दोनों पक्ष इसका परीक्षण करेंगे और 10 दिन में लगभग ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद आदमपुर छावनी में करीब 100 करोड़ का प्लांट लगाने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं कि इस प्लांट में मिक्स कचरे का भी उपयोग हो सकेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें यहाँ पे आदमपुर छावनी में कचरे से कोयला बनेगा और कोयला ही नहीं, ना कि कोयला ही नहीं, बिजली भी बनाई जाएगी। एनटीपीसी एक साल में ये प्लांट लगाएगी, 100 करोड़ रुपए खर्च करके ये प्लांट बनाया जाएगा, कोयला बनाने के लिए मिक्स कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा, उपयोग में लिया जाएगा। एनटीपीसी ये पहल करने जा रही है। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जो मिल रही है हमें शिवनी से। आपको बता दें पेंच टाइगर रिजर्व में मादा तेंदुए की मौत हो गई, करंट लगने से ये मौत हुई है। वन परिक्षेत्र रुखर बर्फ बीट गंदा टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें शिवनी से बड़ी खबर, पेंच टाइगर रिजर्व में मादा तेंदुए की मौत हुई है, करंट लगने से ये मादा तेंदुए की मौत बताई जा रही है। वन परिक्षेत्र रुखर बफर के बीच गंडा टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पेंच टाइगर रिजर्व में एक मादा तेंदुए की मौत हो गई, करंट लगने से मादा तेंदुए की मौत हुई है। वन परिक्षेत्र रुखर बफर के बीच गंडा टोला का ये पूरा मामला है। पेंच टाइगर रिजर्व में
मादा तेंदुए की मौत हुई है, करंट लगने से मादा तेंदुए की मौत हो गई है। ये तस्वीर मादा तेंदुए की है जिसकी करंट लगने से मौत हो गई है। पेंच टाइगर रिजर्व में मादा तेंदुए की मौत हुई, करंट लगने से ये मौत हुई है। ये और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवनी के संवाददाता राज किशोर पाठक जुड़ गए हैं। राज किशोर, बिजली करंट लगने से ये मौत हुई है मादा तेंदुए की पेंच टाइगर रिजर्व में, किसकी लापरवाही बताई जा रही है? ये जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये सीनी पेंच टाइगर रिजर्व में जिस प्रकार पर्यटकों का आना यहाँ प्रारंभ है, लोग बाघों का दीदार करने आ रहे हैं और लगातार पेंच टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो भी रेंज आते हैं उसके अंतर्गत बाघों की मौत सामने आ रही है। पिछले दिनों दो बाघों की मौत सामने आई जिसमें शिकार हुआ था, जिसमें कुछ अवशेष 15 दिन पुराने भी मिले थे। जिस प्रकार बाघों का मौत रेंज में हो रहा है तो लगता है कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही और जो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा से भी बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस प्रकार बाघों की मौत हो रही है। और यह भी ताजा मामला ये सामने आया है वन पर क्षेत्र रूखड़ के बफर जोन में, ये एक पेंच टाइगर रिजर्व में ये तेंदुओं की करंट से मौत हो जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग की लापरवाही कह ले या फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही कह ले, ये सामने आ रही है। जिस प्रकार लोग लगातार तेंदुओं के दर्शन, बाघों के दर्शन करने के लिए इन वन परिक्षेत्र में आते हैं, पेंच टाइगर रिजर्व एक बड़ा रिजर्व है सिवनी जिले के लिए, तो यहाँ बाघों के दीदार करने के लिए बाहर से जो पर्यटक आते हैं, अब उनके उनके दिलों में भी चिंता की विषय है कि बाघों का दीदार कैसे होगा और लगातार बाघों की संख्या कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से इसमें बिजली विभाग और फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राज किशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ आपको बता दें शिवनी से बड़ी खबर, जहाँ करंट लगने से पेंच टाइगर रिजर्व में एक मादा तेंदुए की मौत हो गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह अचानक रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने सर्वोच्च बलिदान के लिए गुरु तेग बहादुर को नमन करते हुए माथा टेका। आपको बता दें कि रायसीना हिल्स के पीछे स्थित इस गुरुद्वारे में पिछले 25 दिन से सिख समागम चल रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम के विजिट के लिए किसी तरह की पुलिस बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। पीएम मोदी ऐसे वक्त में रकाबगंज गुरुद्वारे गए जब दिल्ली में पंजाब के हजारों किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को मनाने की सरकार की कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद किसानों का प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी है। इस बीच शनिवार शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। खट्टर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि किसानों के साथ अगले 2-3 दिनों में बातचीत होगी। खट्टर ने कहा, आंदोलन का हल जल्द से जल्द और बातचीत के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। इधर दिल्ली में बढ़ती ठंड और सर्द हवा के बावजूद किसान दिल्ली, यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ रुक करते हैं। आपको बता दें ग्वालियर से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां कट्टा लहराते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है। गाने की धुन पर हाथ में कट्टा लेकर डांस करता दिख रहा है ये युवक। पुलिस वीडियो के आधार पर युवक की तलाश में जुट गई है। आपको बताते हैं कट्टा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। गाने की धुन पर वो कट्टा लहराकर डांस करता दिख रहा है उस वीडियो में युवक। पुलिस वीडियो के आधार पर युवक की तलाश में जुट गई है। यही वो वायरल वीडियो है जहां कट्टा लहराते हुए इस युवक का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब युवक की तलाश में जुट गई है।
यही वो वायरल वीडियो है जिसमें कट्टा लहराते हुए युवक का डांस करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है, और इसी वीडियो के आधार पर अब पुलिस उसकी जांच में जुट गई है, युवक की तलाश में जुट गई है पुलिस। कट्टा लहराते हुए ये वीडियो है जो वायरल हुआ है, कट्टा लेकर डांस करता दिख रहा है युवक इस वीडियो में, इस वायरल वीडियो में। कृषि कानूनों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा के धुरगाड़ा जिले पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल लगाया और किसानों को कृषि बिल के बारे में बताया। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री को किसानों का व्यापक समर्थन मिला। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जिसमें बिचौलियों में हड़कंप मच गया है। बिचौलिए किसानों को भ्रमित कर उन्हें आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। साथ ही कहा कि यदि अभी बिल वापस लेना पड़ा तो इसका नुकसान किसानों की भावी पीढ़ियों को भी उठाना पड़ेगा। के लिए किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और जब मोदी जी किसान की आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखकर कृषि कानूनों में संशोधन किया है, और ये संशोधन कोई रात रात नहीं हुआ, 20-22 साल की कृषि वैज्ञानिक किसानों संगठनों राजनीतिक पार्टियों सबने मिलकर ये मांग रखी थी, लेकिन कांग्रेस कर नहीं पाई, मोदी जी ने करके दिखा दिया। अब उनको तकलीफ ये है कि मोदी जी ने क्यों किया, उनको श्रेय क्यों मिल रहा है। तो कल मोदी जी ने कहा भैया मैं श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग ले लो श्रेय पूरा, आप क्रेडिट आप ले लो, लेकिन किसानों का भला होने दो, किसानों को गुमराह मत करो। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की पूछ नहीं है और उन्हें प्रासंगिक नहीं समझा जाता। शनिवार को सोनिया गांधी परिवार के आगे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यही शिकायत सामने रखी। करीब 5 घंटे तक चली इस मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भरोसा दिया कि ऐसा नहीं है, उनकी राय और काम पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग में कुछ ऐसे नेता भी शामिल थे जिन्होंने असहमतियों जताई थी। बैठक में सीनियर बनाम जूनियर्स को लेकर भी बहस हुई। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने सभी वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की बात कही। उन्होंने खास तौर पर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भूपिंदर सिंह हुड्डा को अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी के समय का साथी और सहयोगी बताया। ध्यान रहे ये वही नेता थे जिन्होंने सोनिया को चिट्ठी लिखकर CWC के चुनाव की मांग कर पार्टी में भूचाल ला दिया था। वहीं बैठक में कमलनाथ पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा और उनके CM के तौर पर कामकाज की आलोचना की। बैठक के दौरान राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का माहौल तैयार हुआ, लेकिन असंतुष्टों में चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत को असली जीत करार दिया। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जो मिल रही है हमें जगदलपुर से। आपको बता दें जगदलपुर में नगरनाथ स्टील प्लांट में बाहरी लोगों की भर्ती का विरोध हुआ है, जहां सांसद दीपक वैज और संसदीय सचिव रेखचंद जैन भी पहुंचे हैं। बाहरी लोगों की भर्ती का कर रहे विरोध, नगरनार स्टील प्लांट में बाहरी लोगों की भर्ती का विरोध किया जा रहा है। जगदलपुर में सांसद दीपक वैज और सांसदीय सचिव रेखचंद जैन भी वहां पहुंचे हैं। बाहरी लोगों की भर्ती का विरोध किया जा रहा है नगरनार स्टील प्लांट में। जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट में बाहरी लोगों की भर्ती का विरोध किया जा रहा है। वहां पे सांसद दीपक वैज और संसदीय सचिव रेखचंद जैन भी वहां पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें नगरनार स्टील प्लांट के बाहर की हैं, जहां पे बाहरी लोगों की भर्ती का विरोध किया जा रहा है।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल जावेद जुड़ गए हैं। अब्दुल जावेद, आपसे जानना चाहूंगी कि स्टील प्लांट में भारी लोगों का भर्ती का समर्थन किया जा रहा है, वहां पे विरोध किया जा रहा है। जी हाँ, आज ही एसपी हिमांशु जो ईडी है पर्सनल हैदराबाद से और मोहन जीएम पर्सनल जो है हैदराबाद से, उनसे मुलाकात कर चर्चा करके सांसद दीपक बैज जो बस्तर के सांसद हैं और संसदीय सचिव और विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन, वो वहां जाकर के उनसे चर्चा करे थे। मामला था ये 35 लोगों का नीलांचन से नियुक्ति कर प्लांट में प्रवेश कराने का, और इसका पुरजोर विरोध बस्तर के लिए, बस्तर के लोगों को यहाँ पर जो स्टील प्लांट में नौकरी दिए जाने के समर्थन में ये बातचीत चल रही थी। आपको बता दें कि अभी 14 से 16 तारीख के बीच में शिवसेना के प्रमुख धनंजय सिन्हा जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी उसका पुरजोर विरोध किया था कि डीमर्जन नहीं होना चाहिए और निजीकरण के विरोध में भी लगातार केंद्र से सवाल पूछा जा रहा है। केंद्र के विरोध में है यहाँ पर के विधायक और संसदीय सचिव और सांसद दीपक भाई लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं, और इसकी इस बारे में ईडी एसपी हिमांशु से भी बात करें हैं जो हैदराबाद में पदस्थ हैं, वो आए हुए थे, उनसे चर्चा करके इसके इस बारे में बोला गया है कि बस्तर के जितने लोग हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ माना जाता है बस्तर, यहाँ पर के लोगों को विकास के लिए एनएमडीसी में कार्य देना चाहिए, कार्य करने के लिए, ना कि बाहरी लोगों से, और जो भी फैसला आता है इसका पुरजोर विरोध। दो टुक में बात करे थे संसदीय सचिव विधायक रेखचंद जैन, उन्होंने सीधा सीधा कहा कह दिया था कि हैदराबाद और रायपुर में ही जो भर्ती होती है लोगों की एनएमडीसी में वहीं से होकर के होती है, लेकिन यहाँ बस्तर के लोगों को पूछा भी नहीं जाता। और बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ आपको बता दें जगदलपुर से बड़ी खबर, जहाँ पे बाहरी लोगों का विरोध किया जा रहा था, नगरनार स्टील प्लांट में बाहरी लोगों की भर्ती का विरोध किया जा रहा था। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जो भोपाल से है। आपको बता दें भोपाल में लगभग 25 गैस गोदामों को किया जाएगा शहर से बाहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां 25 गैस गोदामों को शहर से बाहर किया जाएगा। जिला प्रशासन करेगा गैस गोदामों को शहर से बाहर, गैस एजेंसी संचालक निर्णय से नहीं है संतुष्ट। वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां लगभग 25 गैस गोदामों को बाहर किया जाएगा, शहर से बाहर किया जाएगा और जिला प्रशासन करेगा ये गैस गोदामों को शहर से बाहर, गैस एजेंसी संचालक इस निर्णय से नहीं है संतुष्ट। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां लगभग 25 गैस गोदामों को किया जाएगा शहर से बाहर, जिला प्रशासन करेगा गैस गोदामों को शहर से बाहर, गैस एजेंसी संचालक निर्णय से नहीं है संतुष्ट। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गैस एजेंसी संचालक प्रदीप नागर जी जुड़ गए हैं। प्रदीप नागर जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका डीएनएन में। धन्यवाद मैडम। देखा जाए तो 47 गैस एजेंसी है भोपाल में, और ऐसे में 25 गैस एजेंसियों को प्रशासन शहर से बाहर करेगा। प्रशासन के इस निर्णय से आप और एसोसिएशन कितने संतुष्ट हैं? प्रशासन का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें प्रशासन को थोड़ा सा इसमें एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि ये भी गैस गोडाउन शहर के काफी दूर होंगे, तो हम लोगों को सिलेंडर सप्लाई करने में बहुत दिक्कतें जाएंगी। शहर के नजदीक यदि ये हम लोगों को गोडाउन के लिए जमीन देते हैं तो वो बेहतर रहेगा। यदि 20-25 किलोमीटर दूर यदि हमको गैस गोडाउन के लिए परमिशन देंगे या जमीनें देंगे तो हमारा जो एक गाड़ी जो हमारे दिन भर में यहाँ 70 से 100 सिलेंडर लगा लेती है, वो 20-25 सिलेंडर ही एक ही ट्रिप लगा पाएगी जी। तो ये एक व्यवहारिक समस्या है, इस पे थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप नागर जी हमारे साथ जुड़ के और जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें 25 गैस गोदाम जो हैं उनको शहर से बाहर किया जाएगा। जिला प्रशासन इन गैस गोदामों को शहर से बाहर करेगी, लेकिन गैस एजेंसी संचालक जो हैं वो इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां बीरभूमि से आपको बता दें एक और बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर को दी शाह ने श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं अमित शाह। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे पर आज अमित शाह ने बीरभूमि में शांति निकेतन पहुंचे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को पहुंचकर वहां श्रद्धांजलि दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के वीरभूमि की, जहां गृह मंत्री अमित शाह शांति निकेतन पहुंचे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को वहां पहुंचकर अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं अमित शाह। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शांति निकेतन पहुंचे हैं अमित शाह और वहां पहुंचकर रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी है अमित शाह ने। 2 दिवसीय दौरे पर हैं बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं अमित शाह। ये तस्वीरें सीधे आपको शांति निकेतन से दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें शांति निकेतन की हैं, जहां अमित शाह ने पहुंचकर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी है। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इंदौर पहुंचे। इस दौरान अनुराग ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बीसी के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदौर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में 4 बार से देश भर में नंबर 1 की पोजीशन पर है। इसके लिए यहाँ के अधिकारियों और रहवासियों की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंदौर के लोगों की, यहाँ के नेताओं की, यहाँ के अधिकारियों की, यहाँ की जनता की। ये छोटी बात नहीं है, लोग एक साल करते हैं अगले साल भूल जाते हैं, लेकिन लगातार करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आगे भी आप लगाते रहिए, चौका लगाए, छक्का भी आप लगाए, मैं तो कहता हूं सेंचुरी आप लगाए। छत्तीसगढ़ में राम और माता कौशल्या के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान की स्थिति देखी जा रही है। चंदखुरी में स्थित मंदिर माता कौशल्या का मंदिर है, जो उनका जन्म स्थान माना जाता है। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कहा चंदखुरी माता कौशल्या का जन्म स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जिन इतिहासकारों ने जितना भी लिखा और पढ़ा वह सिर्फ यही कहते हैं कि चंदखुरी माता कौशल्या का मंदिर है, ना कि जन्म स्थान। उन्होंने सत्ता पक्ष कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नया इतिहास लिख रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर 15 साल के शासन में राम वनगमन पद न बनवा पाने पर आरोप लगाया। डीएनएन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए डीएनएन न्यूज़। नमस्कार।